सो आज के इस एपिसोड में मैं आपको मिलाने वाला हूँ उनसे जिन्होंने टीवी सीरियल से स्टार्ट किया, फिर बॉलीवुड और अभी रिसेंट वो टॉलीवुड पर भी काम कर रहे हैं। यस, वो हमारी फिल्म अहमियत में भी एक इंस्पिरेशनल हीरोइक कैरेक्टर में नजर आएंगे। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली शौर्य सक्सेना सर की। वेलकम सर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। फर्स्ट टाइम आपसे जब मिला था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, और तब मैंने ये नहीं सोचा था कि ऐसे कभी बैठ के जो चीज़ें मैं आपसे वहाँ पूछता था ऐसे कभी ऑन कैमरा हम लोग ऐसे पूछेंगे। सो मेरे लिए तो बड़ा अलग सा एक्सपीरियंस है। आपने मुझे वहाँ देखा है जब मैंने आपसे नादानी वाले बड़े बचकाने से छोटे छोटे से क्वेश्चन किए हैं, और अभी हम लोग यहाँ पर एक अपनी फिल्म कर रहे हैं अहमियत, और उसके बाद अभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं देखने वाले उनको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहेंगे हम, और यहाँ आकर यहाँ आपसे जुड़कर और बातचीत करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका हमेशा से ऐसा नेचर रहा है जब मैं वहाँ भी मिला था आपसे, लेकिन तब हम लोग एज एन एक्टर काम कर रहे थे, पर जब खुद की फिल्म आई प्रेशर भी बढ़ा, बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ में काम किया, और तब काम करते करते कुछ आर्टिस्ट होते तो उनका कभी टाइम पर शूट नहीं आया, लेट हो गए, चीज़ें हो जाती है आगे पीछे, तो वो बड़े हड़बड़ा से जाते हैं, कुछ नाराज़ हो जाते हैं। आपके साथ में हमेशा से एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा, और इस फिल्म में भी कभी टाइम ऊपर नीचे पे सबने परेशान किया, लेकिन आपकी तरफ से हमेशा चिल आउट रहे आप, और आपने हमेशा कहा ठीक है कर लो कोई बात नहीं होता है, और इनफैक्ट आपने दूसरों को भी समझाया। तो इतना शांत स्वभाव के पीछे राज क्या? देखो मेरी नज़र में क्या है ना, फिल्म मेकिंग बहुत मुश्किल चीज़ होती है। फिल्म बनाना हम सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, लेकिन बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको अपने अंदर का जो ये होता है ना कि इंसान किसी भी चीज़ को लेके परेशान सा हो जाता है, फ्रस्ट्रेट, तो फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कैमरा जो होता है ना वो हमारी हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है। Yes. अभी हमारे हम ऐसे बात कर रहे हैं, कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन होंगे ना तो वो या हमारे दिमाग में कुछ चल रहा हो, अभी हम कोई बातचीत कर रहे हैं लेकिन कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो वो कैप्चर कर लेगा, वो स्क्रीन के अंदर आ जाएगा, उस कैमरे के अंदर आ जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि जब भी आप शूट करो ना तो सबसे पहले क्या होता है, अपने आप को कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि देखो एक फिल्म जो होती है, लोग कहते हैं कि एक एक्टर की वजह से फिल्म चलती है, पर मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना यह है कि एक फिल्म उस एक्टर के साथ जो 300, 400, 500 जितनी भी यूनिट के लोग काम कर रहे हैं उनसे चलती है। एक्टर क्यों है, बस परफॉर्म करके चला जाएगा, लेकिन यूनिट उसके पीछे कैमरा सेट करना, साउंड, लाइट, मेकअप, कितनी बड़ी टीम होती है, इतना सारा वर्क प्रेशर होता है। तो अगर आप अपने आप को कंट्रोल करोगे और अपने साथ साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि क्या होता है ना कभी कभी हम ऐसे सीन करते हैं और सीन डायलॉग याद करते करते हमारे माइंड में कुछ ना कुछ आ जाता है, तो उसकी वजह से कट करना पड़ता है। तो अगर आप अपने माहौल को अपने आप, जैसे अपन ने साथ में किया था तो वहाँ भी मैं शूट करता था तो कुछ अपन कॉमेडी करते रहते थे, है ना, तो एक दूसरे को हंसाना, तो क्या होता है कि जो सामने वाला आर्टिस्ट होता है ना वो अच्छे से परफॉर्म अच्छे से कर पाता, कंफर्टेबल हो पाता है। क्यों, बेसिकली ये होता है कि कोई न्यू कमर है या फिर कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं या फिर जो हो नहीं पा रहा है तो थोड़ा अगर डिफिकल्ट है, और इतने सारे क्योंकि स्क्रीन पर तो वही दिखता है जो वो दिखा रहे होते हैं, दो चार लोग लिए उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और समटाइम्स हेजिटेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास या फिर कुछ छोटे होते पर कोई और आप उनको ऐसे कंफर्टेबल करवा देते हो तो उनका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाता है और वो अच्छे से काम कर पाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हम लोग काम करते हैं कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेते हैं। फिर आपकी लाइफ में कहाँ से आप इन्फ्लुएंस हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं या फिर ओवरऑल? देखिए इंस्पिरेशन तो आपको अपने माँ बाप से मिलती है सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले हम उन्हीं को देखते हैं, हम अपनी माँ को देखते हैं, जब अपना जन्म होता है तो सबसे पहले जो इंस्पिरेशन होती है वो हमें स्पेशली लेने भी अपने पेरेंट्स से चाहिए, क्योंकि बाहर की दुनिया हम बाद में देख पाते हैं, स्कूल बाद में जाते हैं, कॉलेज बाद में जाते हैं, टीवी बाद में देखते हैं, बाद में जब हम बढ़ते थे, राइट, लेकिन सबसे पहले जो हम जो करीब होते हैं वो अपने माता पिता के। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी हमें देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको इंस्पिरेशन लेनी है तो आप अपने फैमिली से लें, अपने माँ बाप से लें, अपने फैमिली मेम्बर्स और भी जो आपके करीब, तो वहाँ से इंस्पिरेशन लें। तो जो मेरी पहली इंस्पिरेशन थी वो मेरे माता पिता ही थे, और उसके बाद अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में कहूँ तो मैं ना
पर्सनली दो तीन ऐसे आर्टिस्ट हैं, एक तो शाहरुख खान है जिनको मैं बहुत एडमायर करता हूँ, ऑल्सो माय फेवरेट। हाँ, एक दिलीप कुमार साहब है जो पुराने आर्टिस्ट, मुझे तो पुराने आर्टिस्ट बड़े अच्छे लगते हैं। नए आर्टिस्ट हैं, नए एक्टर्स हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे पुराने आर्टिस्ट बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि उस समय तो कोई सुविधा ही नहीं थी। अभी देखिए सुविधाएँ कितनी हैं, उसके बाद भी लोग दिक्कत होती है लोगों को सेट में आने में, यार जो भी इश्यूज होते हैं। लेकिन पहले के समय में लोग कैसा शूट करते हैं, उन्हें ना तो समय वैनिटी होती थी, ना ऐसी सुविधाएं होती थी, ना इतने अच्छे अच्छे कैमरे होते थे, ना लाइट होती थी। लेकिन सोचिए ना उनका पेशेंस लेवल किस हद से होगा। तो अभी तो बहुत नाटक चलते हैं, अभी चलते हैं। देखो सर, सबकी अब एक बिजनेस हो गया ना, बिजनेस मॉडल हो गया कि अब सबको पैसा कमाना है। अब स्टोरी इस पर लोग ज़्यादा वर्क ना करिए, लोग ये वर्क करते हैं कि आर्टिस्ट हम बड़े बड़े ले लें, जो सबकी सोच होती है। क्योंकि अब कमाई, क्योंकि एक कॉर्पोरेट कल्चर आ गया ना, तो अब कॉर्पोरेट कल्चर में यही होता है कि वो स्टोरी पे ध्यान ना देखें, बाकी ये जो और चीज़ें हैं उस पर ध्यान देते हैं। बाकी ठीक है, अपन जैसे अपन ने फिल्म बनाई है, मैं तो अपन ने कोशिश ये की कि अपन उन चीज़ों पर ध्यान ना देके अपनी स्टोरी पर ध्यान दें, अपने उन आर्टिस्टों पर ध्यान दें। और अपन ने आर्टिस्ट लिए भी हैं, जैसे लता सबरवाल मैडम है, हिमांशु है, और आप हैं, मैं हूँ, सुमित सर, तो दे ऑल आर, मतलब कि हाँ, जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, तो जब लोग वो काम किए हुए होते ना, तो उन्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब न्यू कमर्स को अपन ले किसी को, तो उन्हें पहले समझाने की, उनको कैमरा एंगल से पता, तो वो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। लेकिन हाँ, अपन ने अपनी कास्टिंग अच्छी हुई सब ने, और समय दिया और समय से शूट हुई, और बाकी देखो जैसे जैसे हम काम करते जाते हैं ना, तो काम से ज़्यादा एक्सपीरियंस हमें सीखते जाते हैं, तो मेन यही चीज़ है। फिर भी आई इंडस्ट्री में से आपने इंस्पिरेशन बताया, शाहरुख खान, दिलीप कुमार साहब, मैं इन दोनों को जो है, या सिर्फ पुराने देवानंद साहब थे, मैं फिल्में देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी लगती है मेरे को, पुरानी फिल्में बहुत अच्छी लगती। बाकी न्यू कमर्स में बात करूँ तो शाहरुख खान के अलावा अभी एक सुजात सिंह राजपूत थे जो चले गए, जल्दी चले गए, उनको भी मैं बहुत बड़ी इंस्पिरेशन मानता हूँ कि यार मतलब किस तरीके से वो बंदा, मतलब कहाँ थे, बिहार से थे, टॉपर थे, और ऑल इंडिया में 7 रैंक आई थी उनकी, इतने टैलेंटेड थे, कोई कमी नहीं थी उनके पास। तो ठीक है, जो भी उस समय इशू रहा या क्या था, लॉकडाउन, बहुत सारी चीज़ें, तो एक वो इंस्पिरेशन है कि मैं सुशांत सिंह राजपूत को शाहरुख खान के बाद अगर मैं रखनी तो न्यू कमर में, अभी न्यू कमर एट प्रेजेंट सुशांत सिंह राजपूत है। जैसे हम लोग अभी फिल्म में काम कर रहे हैं, आप इतने लंबे टाइम से कर रहे हैं, आपसे मैंने पहले भी पूछा था, तो बायाजी टेलीफिल्म्स के भी आपने बहुत सारे सीरियल्स किए हुए हैं, बॉलीवुड फिल्म भी की हुई है, अभी टॉलीवुड में आप विजय धर्मपति के साथ में काम कर रहे हैं। सो स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं हम टाइम को लेके। सो मेरा ये पूछना है आपसे कि आपके लिए सक्सेस क्या है? यार मेरे लिए सक्सेस है सेटिस्फेक्शन, आप सेटिस्फाई हो कि नहीं हो, मेरे लिए सक्सेस का तो ये मैं अगर डेफिनेशन देना चाहूँ तो ये। क्योंकि क्या होता ना, मैंने वैसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो बहुत पैसा कमा रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, पर मैं ये जो काम कर रहा हूँ उसमें मैं बहुत खुश हूँ। मैं जब उस सेट पे पहुँचता हूँ, वो लाइटिंग होती है, वो 400-500 लोग होते हैं, वो बड़े बड़े कैमरा और वो सारी चीज़ें, तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और मैं आपको बताऊँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम सेट पर जाते हैं और हमारी शिफ्ट 15-15, 16-16 घंटे की भी हो जाती है टीवी में, क्योंकि क्या होता है ना कि उसमें बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल होता है टीवी। तो 16 घंटे भी जैसे मैं मॉर्निंग में गया था वैसे ही मैं नाइट से निकलता हूँ। मतलब जैसे मेरा कैमरा ऑन हुआ और पैकअप होने के बीच पूरा जो होता ना, मेरी वही एनर्जी रहती है, क्योंकि मुझे वो एनर्जी वहाँ से मिल रही है। चाहे मैं कुछ खाऊं, चाहे मैं पानी कुछ, मतलब कुछ भी नहीं लूं, मैं खाली पेट भी हूँ, मतलब मुझे कुछ भी नहीं, लेकिन मैं वो जो काम कर रहा हूँ ना उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है और मैं बहुत खुश रहता हूँ। सबसे मैं अपनी ज़िंदगी की सक्सेस इस चीज़ को मानता हूँ कि आप कितने खुश हैं। अगर आप खुश हैं तो आप अपने आसपास के लोगों को खुश रख पाएँ, अगर आप ही खुश नहीं हैं तो फिर आप कितना भी पैसा कमा लें। तो मेरे लिए जो खुशी है ना, वो सिर्फ एक काम है, ये फिल्म इंडस्ट्री का काम है। अगर मैं कोई और काम कर रहा होता तो मैं उतना खुश नहीं रहता, लेकिन मैं जब इस लाइन में काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी है। मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और आपको बिल्कुल प्रॉपर सेटिस्फेक्शन है। मैंने देखा आपको, आपने फिल्म में बहुत सारे लोगों को शांत किया है कि ठीक है अब टाइम लगता है, तो कूल डाउन रहो, माहौल नहीं बिगाड़ना, तो ये एक रीज़न है। मतलब ये भी है क्योंकि आप सेटिस्फाई हो अपनी चीज़ को लेकर, कितनों में आ जाए, और ये सच में होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रहेगा
तो आप सच में आप खुश रह पाओगे अगर आपका नजरिया वैसे रहेगा कि यार वैसा हो रहा है, मैं ऐसा हूँ या फिर मैं ज़्यादा बड़ा हूँ और मुझे क्यों वेट करना पड़ गया, या फिर मैं लेट हो गया, लेट क्यों हो रहा, मुझे सब 9 बजे बोला था। तो ऐसा कभी होता नहीं कि बिल्कुल 9 बजे कुछ चीज़ का बोला कि ये शॉट 9 बजे होगा, तो कभी हो जाता है पीछे आगे जो भी है। तो ये एक रीज़न है आपका, मुझे मैं लूँगा इसको भी चीज़ को, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जैसे जब एक्टिंग करने का नाम आता है या फिर बात होती है, पता चलता है कि चांस मिलता है कि वाओ अभी ऐसा लगेगा, मतलब इतने मुझे ऐसा किसी ने कुछ खास मौका दिया नहीं है बस और मिलेगा, तो वो मुझे बहुत खुशी मिलता है। ये बात तो है, मुझे बहुत उसको लेकर तो बहुत ज़्यादा है कि कुछ भी अगर ये चीज़ मिल रही है तो दूसरी चीज़ें देखी नहीं जाती है। मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि सर का कैरेक्टर है इसमें एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, जो कि रोहन जो मेरा कैरेक्टर है उसके लिए हीरो है, और वो कॉलेज के सबसे पॉपुलर बंदा है और यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। तो कॉलेज का जो हीरो होता है ना उस वो सर का कैरेक्टर है, और रोहन जो मेरा कैरेक्टर है वो उनसे फुल्ली इंस्पायर्ड होता है, और क्योंकि जो रोहन बनना चाहता है वो उस रास्ते पर सर ऑलरेडी हैं, तो वो उनसे बहुत इन्फ्लुएंस होता है, और उसी बारे में हम उन दोनों की मुलाकात भी होती है और उसी पे कुछ बातें भी होती है उसको। और जैसा मैं रियल लाइफ में इनसे पूछा है फिल्मों के टाइप पर, वैसा ही मैं फिल्म में भी इनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ कि ये कैसे होता है, और सर वैसे ही फिर आराम से उस चीज़ का रिप्लाई कर रहे हैं। तो बड़ा रियल सा नहीं हो गया है कि जो मैं ऐसे पीछे पेड़ पढ़ते कि पीछे जो आपसे करता था वो पढ़ते कि आगे भी वैसे ही कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इसे बता रहे हो कि हाँ ऐसा करना वैसा होता है, और ऐसे भी इंस्पायर है और वहाँ पर भी इंस्पिरेशनल है बिल्कुल। सो कैरेक्टर के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे अपने स्क्रिप्ट के बारे में, आपने जब पहली बार सुनी स्क्रिप्ट इन सब चीज़ों को लेकर? मैंने पहली बार जब देखो स्क्रिप्ट में क्या होता है ना, मैं जब भी कहानी सुनता हूँ ना तो उसमें कुछ ऐसा टच होना चाहिए। अभी ये अपन ने जो टॉपिक लिया है अहमियत में, जिसमें हमने एक रिलेशन दिखाया है एक माँ और बेटे के बीच में, और एक्चुअली देखिए ना वो एक लाइन आई थी ना, एक फिल्म आई थी मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, तो उसमें वो था ना कि सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है। हाँ के KGF के ना, उसमें तो वो डायलॉग एक्चुअल में है, सबसे बड़ी जो योद्धा होती है माँ होती है, क्योंकि मतलब वो बहुत चीज़ फेस करती है, मैं नहीं बता एक, और हम जब अगर उनको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या उनके साथ वक्त नहीं बिता पा रहे हैं, तो ये चीज़ हमने इस फिल्म के द्वारा बताने की कोशिश की कि आपको अपने परिवार के साथ अपने माता पिता के साथ वक्त बिताना चाहिए आप, क्योंकि क्या होता है ना कि हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर वो रह जाती है डिफरेंट कुछ, क्योंकि समय का नहीं पता, किसी चीज़ का नहीं पता। तो हमने इस फिल्म के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि एक रिश्ता जो है माता और बेटे के बीच में वो कैसा होना चाहिए। तो बाकी तो जो भी स्टोरी है वो अब तो जो फिल्म अपन मतलब रिलीज़ होगी तो, और बहुत सस्पेंस है वो तो जब आप लोग देखोगे तो पता चल ही जाएगा। और ये जो आपने बोला कि टची है ये चीज़, कुछ चीज़ें जो है रह जाती है और बाद में हमको रिग्रेट होता है, और उसी चीज़ पर है। तो ये अहमियत जो टाइटल है वो भी इसीलिए है कि हम लोगों को रिलेशंस की इम्पोर्टेंस पता चले, चाहे वो अपने फैमिली में मम्मी पापा के साथ में रिलेशन हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, तो कुछ चीज़ें। लेकिन यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है माँ और बेटे के बीच में, और माँ का ऐसा है कि माँ हमारे लिए हर टाइम खड़ी रहती है, रेडी रहती है कि बेटा ये चाहिए वो चाहिए, तो क्या है कि बहुत इजीली अवेलेबल है ना, सो वो कहीं ना कहीं वो इम्पोर्टेंस कम होने लग रही है। और कम होने के पीछे ऐसा भी नहीं है कि जो किड्स हैं, चाइल्ड्स हैं, जो बच्चे हैं वो नेगेटिव है कुछ ऐसा नहीं, वो दूसरी दुनिया में इतने ज़्यादा निकल गए हैं कि वहाँ से उनको भी पता नहीं चलता है, क्योंकि मम्मी तो है, एक बात मम्मी बोल रही होगी यार, तो निकल जाता है। वही तुम्हारी बात सही है, और मैं तो क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपन फिल्म के बारे में थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, तो अब हमें थोड़ा क्योंकि कोई सस्पेंस रह नहीं जाएगा, जब पिक्चर जब रिलीज होगी हमारे व्यू है वो देखेंगे तब। वो आपने टची वाली लाइन बोल दी ना, तो उसको सुन के मैं थोड़ा सा भावुक हो गया। हाँ राइट, ये बात है कि फिर तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट ही कर देंगे, पर हाँ ये फिल्म देखने के बाद आप लोग एक बहुत प्यारा सा मैसेज लेके जाओगे, और इस मैसेज के साथ में अगर किसी की भी लाइफ में माँ और बेटे के रिलेशन में अगर थोड़ी खुशी आ जाए, सुधार आ जाए, तो हमारा ये फिल्म बनाना सक्सेस हो जाएगा बिल्कुल। और देखिएगा अपन तो ये कहते हैं बिल्कुल कि अभी रिलीज होगी ये पिक्चर, अभी हमारे सॉन्ग रिलीज हो चुके हैं, नंबर ऑफ सॉन्ग्स और भी आने वाले हैं, और फिर ट्रेलर है,
और बहुत जल्द आपके सामने फिल्म भी होगी, जल्दी थिएटर में लगेगी। और अभी तक आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं हमारे, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और भी अगर आपको फिल्म के बारे में हमसे कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट, ये आपके प्यार की वजह से हम लोग यहाँ पर हैं, मेन इतनी फिल्म बना पा रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, तो आपका प्यार तो हमें मिलना बहुत ज़रूरी है, और यही रीज़न है कि हम अभी फिल्म बना रहे हैं। मेरे प्यार नहीं मिलता तो मैं आता तो फिर हम लोग यहाँ पर बैठ के सिर्फ बात नहीं करते। कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक हमें प्यार दी, राइट। सो अब बस वहीं पर आ गए हैं कि अब और भी प्यार की ज़रूरत है और साथ की ज़रूरत है, तो दीजिएगा। बिल्कुल, अभी और कहना चाहेंगे सर आप? और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें, बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ सामने बनकर आने वाली है। हमने बहुत वेट किया है, बहुत मेहनत से हमने ये बनाया है, बहुत मेहनत होती है इसके पीछे, तो मैं बस अपने व्यूअर्स को यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें और एक बहुत अच्छी स्टोरी आपके सामने हम थिएटर में ले। ओके, और वेट के साथ साथ जब तक ट्रेलर आता है, मूवी आती, आप उड़ान से नेटफ्लिक्स पर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पर हमारे सॉन्ग इंजॉय करिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।